हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 का साइबर डिफेंस IBS पेपर का जो साइबर डिफेंसेस का चैप्टर नंबर 1 का हमने सारे MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अगर नहीं देखें तो जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में सारा एक एक करके सारा सब्जेक्ट का हम वीडियो बना रहे हैं और सबका प्लेलिस्ट भी बना दिए, ठीक है। तो साइबर डिफेंस का इसके पहले मैंने चैप्टर 1 का MCQ क्वेश्चन 2 वीडियो में मैंने ख़त्म कर दिया था, और आज मेरा है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साइबर अपराध और साइबर कानून, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, ठीक है। तो इसका हम लोग MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 20 MCQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद जो MCQ क्वेश्चन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना बेहद ही जरूरी है, और वही सब हम क्वेश्चन लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे साइबर डिफेंस और ग्लोबल सिटीजनशिप में, उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि आपको वही क्वेश्चन करवाया जाए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइबर अपराध और साइबर कानून, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था। देखो एक एक पॉइंट्स को जो आपके सिलेबस निकला हुआ था, एक एक पॉइंट्स को देख करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया, इस बात को ध्यान रखना। ये नहीं कि कहीं भी गूगल में दिया था वहाँ से सेलेक्ट कर लिया और आपको उठा करके दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेट लगेगा लेकिन आपको जेन्युइन परफेक्ट चीज़ें मिलेगा, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 17 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से अश्लील एवं अशोभनीय कमेंट हिंसात्मक लेख लिखना क्या कहलाता है। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से अश्लील चीज़ें, अशोभनीय चीज़ें जो शोभा नहीं देता है, ये सब चीज़ें लिखना क्या कहलाता है। तो ये सब जो लिखना होता है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा फिशिंग पहला होगा, या साइबर स्टॉकिंग होगा, या साइबर पुलिंग होगा, या ट्रोजन्स होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइबर बुलिंग। क्या होगा, साइबर बुलिंग होगा, ठीक है। तीसरा देखो, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को प्रमाणित करने हैं तो उपयोगकर्ता को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है, एक डिजिटल हस्ताक्षर, या ई सील, या इलेक्ट्रॉनिक मोहर, या KYC। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक डिजिटल हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्या है, चौथा, उस हैकर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है जो नुकसान पहुँचाने अथवा चुराने का इरादा रखता है, तो इसका क्या होगा, इम्पोस्टर, या ब्लैक हैट, या जम्पसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ब्लैक हैट। क्या हो जाएगा, ब्लैक हैट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, एक प्रकार का सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण है जहां पर यह दावा किया जा सकता है कि अभियुक्त के किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बैटिंग, या फिशिंग, या तो मालवेयर, या प्रीटेक्स्टंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रीटेक्स्टंग, ठीक है, प्रीटेक्स्टंग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, या भारतीय दंड संहिता, या सूचना का अधिकार अधिनियम, या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है, जो ईमेल होता है उसको जारी किए जाने का स्थान का पता किससे लगता है, IP एड्रेस के माध्यम से, या दुकान के माध्यम से, या थाने से, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा IP एड्रेस के माध्यम से ही उसका स्थान का पता लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है, हाँ, नहीं, प्रयास चलना, या उपरोक्त कोई नहीं। तो देखो, मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी हाँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइबर अपराध में क्या शामिल है, कंप्यूटर के माध्यम से छल, या कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधित अपराध, या किसी इंटरनेट के माध्यम से किसी एकांतता भंग करना, या उपरोक्त सभी। तो साइबर अपराध में क्या शामिल है, ये तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगर आपको लग रहा है कि आप जो चारों देते हैं क्वेश्चन ऑप्शन में,
तो आप लोग बोल सकते हैं हम सारा ऑप्शन हटा देंगे, बस आपको वही देंगे जो आपका सही आंसर रहेगा, अगर इससे दिक्कत होगा। बट पिछले बार आप ही लोग कमेंट किए थे कि ऑप्शन भी दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एटीएम मशीन से पैसा निकालने समय निकालने वाले इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किसका होता है? तो देखो, जब एटीएम मशीन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को निगरानी के लिए कुछ लगाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक, तो वो सीसीटीवी लगा रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीसीटीवी। 11 नंबर है, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावपूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है? एक ऐसा हैकर जिसका इरादा आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो बैकडोर प्रोग्रामर या फ्रीकर या तो फिर वाइट हैट या फ्रेकर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाइट हैट, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया जा रहा है कि कौन सा विकल्प साइबर अपराध प्रकार नहीं है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो साइबर अपराध प्रकार नहीं है? सुरक्षा के लिए लेखांकन या डेटा चोरी या जालसाजी या डेटा या सिस्टम को नुकसान। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सुरक्षा के लिए लेखांकन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पासवर्ड आक्रमण कौन सा अपराध है? तो जो पासवर्ड आक्रमण है वो कौन सा अपराध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई हमला नहीं है। पासवर्ड आक्रमण कोई सा अपराध है, कौन सा अपराध है? तो कोई भी हमला ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ईमेल को कैसे ट्रैक करें? तो अधिसूचना पढ़ें या स्वविचलित या स्पाई पिन या जीमेल के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अधिसूचना पढ़ें, ठीक है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, निम्न में से किसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मेलवेयर। क्या हो जाएगा? मेलवेयर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ब्लास्टर, सासर, लता या कोई नहीं। तो जो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सत्रह हमारा है, आईटी एक्ट की किस धारा के तहत किसी भी डिजिटल संपत्ति या जानकारी को चुराना साइबर क्राइम लिखा जाता है? तो आईटी एक्ट किस धारा के तहत है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 65, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी साइबर अपराध जो है उसको वर्गीकृत किया जा सकता है 4, 3, 2 या 6। तो इसको दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह डेटा, पहले खाली स्थान है, ठीक है, खाली स्थान वह डेटा है जिसे सार्थक तरीके से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंडारण। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, भंडारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बिना पूर्व अनुमति के कंप्यूटर का मूल्यांकन करना एक साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा 66, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है साइबर अपराध और कानून का, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी वीडियो आएगा अगर आप लोग का डिमांड अच्छा रहा तो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या इसका और भी वीडियो आना चाहिए या पहले कौन सब्जेक्ट का करवाया जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।